वेल गाइस, आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इफ यू वांट टू बी मैं इन द सेंस ऑफ मैं बोलूँ तो अगर आपको पैसे वाला आदमी बनना है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, अगर आप यू बिलोंग जो है बस्ती में एक रहते हो, ठीक है, एक बस्ती में रहते हो, एक गांव में रहते हो, ठीक है, आप एक देहात में रहते हो, ठीक है, तो कैसे आप ग्रो कर सकते हो? आपके पास कुछ भी नहीं है भाई, फिर भी आप कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो जो आप करना चाहते हो। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मेरे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमारी इनकम क्या होने वाली है। अगर आपके पास में ऐसी इन्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी इनकम है। देर इज़ द फैक्ट, देर इज़ द कुछ रिसर्च, इसमें मैंने मैंने कहीं सुना था कि आपकी एनवायरनमेंट डिफाइन करती है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। इजेंट इट द आंसर इज यस। ऐसा एक फैक्ट है, एक रिसर्च में ये सामने प्रूफ भी हुआ है कि आपकी एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपके ऊपर होता है और आपका भी इफेक्ट आपके इन्वायरमेंट के ऊपर होता है। इसका मतलब साफ साफ है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप यू कैन क्रिएट इन्वायरमेंट जो आप चाहते हो। अगर आपके पास में है सो दैट्स इनफ फॉर यू। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग कि जहाँ पे एक समझ आती है कि हाँ पैसे नहीं है पास में, आप क्या करें, कुछ है नहीं भाई। वट आई कैन डू, वट आई कैन डू, वट आई कैन से, तो भाई पैसे नहीं है। अब इसका रियलाइजेशन होता है ना, सबसे बड़ी बात यही है कि जब आपको रियलाइज होता है कि मेरे पास में पैसे नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसका रियलाइजेशन ही सबसे बड़ी अमाउंट आपके पास में है अभी के लिए। जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा, यू विल नॉट अर्न मनी इवन सिंगल रुपीस ऑल्सो। तो हो सकता है कुछ मेरे शब्द इस वीडियो के जरिए, हो सकता है मेरे कुछ शब्द गांव से रिलेटेड हों, हो सकता है कोई मेरे जो शब्द मैं यूज़ कर, जो सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ अटपटे से हूँ थोड़ा सा, तो डू नॉट माइंड, क्योंकि मैं गांव का बंदा हूँ और मैं गांव में ही रहता हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ इंस्टीट्यूट से कुछ एडवांस मैंने कोर्सेस लिए हैं सो दैट कि मैं खुद को चेंज कर पाऊँ, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, मेरे अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल सके आपको। बट मैं भी एक देहात का ही बंदा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या, मैंने अगर खुद को बदल लिया तो मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे मुझे पास पैसे नहीं है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये रियलाइजेशन ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको जब ये रियलाइज़ होता है तो हमें पता चलता है कि शायद शायद नहीं, यहाँ पे ये होता कि भाई टाइम निकल चुका है, अब हमारा टाइम निकल चुका है। तब तक बहुत लेट हो जाती है, जब तक हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे पास में पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बट देर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, क्या है वो, इसको भी सुन लेते हैं कि जहाँ पे मैंने सुना था ये कोट कि जहाँ पे मैंने सुना था कोट, वो कहीं मूवी में मैंने सुना था, आई थिंक कि किसी ने बोला था, मुझे ठीक से याद नहीं है बट वो सेंटेंस मुझे अभी याद है। वो क्या है, जब जागो तभी सवेरा, कटिंग इट। तो भाई आप रियलाइज भी हो गया, आंखें भी खुल गई, आप समझ में नहीं आना क्या करें, बट हाँ हमारे पास एक ऑप्शन जरूर होता है कुछ करने का। तो समझ मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो को थोड़ी ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो में इतना ही करते, बाकी अगली वीडियो में बनाऊँगा इसके लिए। फिर तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और ऐसी कॉन्टेंट मैं आपको देता रहूँगा सो दैट आपके भी माइंड में थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आपका भी माइंड ना नो हिट होनी चाहिए इसके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर करिए ऑल्सो दबा के, कि और लोगों का भी दिमाग खुले, गांव में हो तो गांव वाले भी शेयर करो।
ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच.